हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, काफी बड़ा चैप्टर है। तो एक भाग में, पहले भाग में पढ़ाऊंगा, कुछ की पॉइंट्स हैं ये लिखे हुए हैं। देखिए, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो फर्स्ट भाग में, पहले भाग में पढ़ाऊंगा मैं सूक्ष्मजीव मित्र, इसके बारे में। सेकंड भाग में लेके आऊंगा बाद में, उसमें पढ़ाऊंगा आपको शत्रु। तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा और उपयोगी टॉपिक है। मैं आपको गहराई से और जड़ से इसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सूक्ष्म जीव। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जो चैप्टर का नाम होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है हमारा, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, सबसे पहले ये पता करो और ये जानो कि चैप्टर के नाम में क्या है। अगर आपके चैप्टर के नाम में सब चीज पता कर गए पहले से ही, तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो ही गई। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि चैप्टर का नाम देखते नहीं है, उसके बारे में पता नहीं करते, और पूरे चैप्टर को और पूरे लेसन को क्या करते हैं, अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं पहले आपको ये बताऊंगा सूक्ष्म जीव होता क्या है। देखिए, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव से आपका तात्पर्य क्या है? जीव, जीव का मतलब एक जीव, कोई भी एक जीव है जो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, जो हमें खुली आंखों से न दिखे, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटे जीव को बड़े आसानी से उससे हम देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव को हम अपनी खुली आंखों से कभी नहीं देख सकते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब सूक्ष्म जीव आगे लिखा है मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो हमें दिख ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है कौन से सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे कुछ मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं, ठीक है। अब हम आपको इस चैप्टर में पहले जानेंगे कि सूक्ष्म जीव मित्र क्यों होते हैं। मित्र होते हैं तो हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, हमारे लिए क्या क्या उपयोगी हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सूक्ष्म जीव, सबसे पहले हमने आपको परिचय देना है, परिचय तो मैंने दे दिया आपको। सूक्ष्म जीव जो सूक्ष्मदर्शी से दिखें उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। हमारे आसपास जहां के हमारे अंदर भी सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, जो हमें दिख नहीं रहे, हमारी बॉडी के अंदर भी सूक्ष्म जीव हैं। अगर हम माइक्रो इसके सूक्ष्मदर्शी से हम देखेंगे तो आपको वो सूक्ष्म जीव 100% दिखेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव बहुत घातक होते हैं। जो घातक होते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं, और जो सूक्ष्म जीव अच्छे होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम सूक्ष्म जीव के प्रकार। देखिए, सूक्ष्म जीव दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका होता है एक कोशिकी, एक होता है बहुकोशिकी। एक कोशिकी जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है, और बहुकोशिकी जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब मैं आपको बताऊं पहले कि सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं। देखिए, नंबर पहला आता है आपका, आपने जीवाणु का नाम सुना होगा, दूसरा है शैवाल, तीसरा है कवक, चौथा प्रोटोजोआ, ये क्या है आपके चारों, ये सूक्ष्म जीव है, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव है। इसके अलावा एक और आपने पढ़ा होगा, नंबर पांचवा, जिसको बोलते हैं वायरस, सबसे घातक, ये क्या है? वायरस, ठीक है, ये हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों में कौन से सूक्ष्म जीव एक कोशिकी है, कौन से बहुकोशिकी है, कौन से सूक्ष्म जीव हमारे लिए फायदा करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जीवाणु ये एक कोशिकी होता है, ये भी ये कुछ एक कोशिकी होते हैं, ये एक कोशिकी होता है, कुछ बहुकोशिकी होते हैं, ये शैवाल, बहुकोशिकी। कवक जो होता है वो क्या होता है? बहुकोशिकी। क्या होता है? बहुकोशिकी,
ठीक है। देखिए जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, ये दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। हमारे शरीर में भी होते हैं तो हमारे शरीर में भी हमारे शरीर पर ही डिपेंड नहीं है, दूसरों को खाते हैं, दूसरों का ही और दूसरों पर राज करते हैं। ये हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे परजीवी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ही वायरस होता है, वायरस क्या होता है, विषाणु, उसको बोलते हैं विषाणु, हिंदी में विषाणु, ये परजीवी होता है ये, ठीक है। ये सारे जितने वायरस जो होता है ये क्या होता है, हवा से भी फैलता है ये, ठीक है। ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर, मूव कर सकता है, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है, ये सूक्ष्मदर्शी से ही दिखते हैं। वायरस जो विषाणु होता है उससे हमें खांसी जुखाम इस टाइप के रोग होते हैं जो हवा से फैलते हैं। एक आदमी को खांसी होगी दूसरे आदमी को भी 100% खांसी हो जाएगी अगर वो उसके संपर्क में आता है तो। आप हाथ में भी चिपक जाते हैं, ये आराम से क्या होते हैं, एक दूसरे इधर उधर मूव कर सकते हैं ये, ठीक है। जुकाम खांसी इस टाइप के रोग वायरस के थ्रू हो जाते हैं। पोलियो हुआ, पोलियो, खसरा, ये भी क्या है, ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है सारा। इससे अतिसार, मलेरिया इस टाइप के रोग होते हैं प्रोटोजोआ से, अतिसार और मलेरिया, जीवाणु से आपका टाइफाइड, जीवाणु से कौन सा रोग होता है आपका टाइफाइड, टाइफाइड और टीवी, ये किससे होता है आपका जीवाणु से, टाइफाइड और टीवी, ठीक है। प्रोटोजोआ से अतिसार और मलेरिया, ठीक है। वायरस से आपको पोलियो, खसरा, खांसी, जुखाम, इस तरह की बीमारी आपको वायरस से होती है। अब देखिए हम पहले भाग में आपको हम बताएंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, वो मित्र कैसे होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे वो शत्रु किस टाइप को किस तरह होते हैं। तो हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मित्र कैसे होते हैं, देखिए हम इसका तभी हम जान पाएंगे सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं कैसे होते हैं, कि हमारे किस किस चीज में हमें फायदा करते हैं। देखिए पहला उपयोग है हमारा दही व ब्रेड बनाना, देखो ये होता है लैक्टोबैसिलस, ये जो होता है ये हमारा लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक जीवाणु होता है, क्या होता है जीवाणु, ये जीवाणु होता है, ये दूध को, ये हमारा दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्या है, हम जब दही, जब हम दूध को गर्म करके थोड़ा ठंडा करके उसको किसी पात्र में रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसमें दही डाल दें, तो दही उसमें दूध में मिलाने के बाद वो देखते हैं आप सुबह तक वो दही बन जाता है दूध। क्यों बन जाता है, क्योंकि दही में जो ये होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ये जीवाणु दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, हमारा मित्र हुआ और हमारे लिए उपयोगी हुआ। ऐसे ही ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनाते हैं, ब्रेड को, मैदा को हम क्या करते हैं, शाम को ही उसको रख दिया, ठीक है। शाम को रखने के बाद उसमें ईस्ट मिला देते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको सड़ाते हैं और वो जीवाणु बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अपना मैदा होता है ना वो फूलने लगता है। तो यहां पर हमारा ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या काम कर रहा है, हमारे मैदा को फुला रहा है और उससे क्या है, हमारे ब्रेड जो है ना वो स्पंजी बनते हैं। तो जितना ब्रेड बनता है आपका वो सारा हमारा जीवाणु से कन्वर्ट होने के बाद, जो भी मैदा होता है, आटा होता है, वो जीवाणु से उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको फुला देता है, फुलाने के बाद वो ब्रेड बन जाता है। ब्रेड हमें खाने में इनको नुकसान नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी ये जीवाणु होते हैं, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए खराब नहीं होते, क्योंकि वो मैदा को एक ऐसा बढ़िया स्पंजी टाइप का मैदा बना देते हैं और उसके बाद उसको हम इसको ब्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा जीवाणु जो है उससे दही और ब्रेड दोनों बना सकते हैं। तो इस तरह जीवाणु हमारे मित्र होते हैं। दूसरा है आपका वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग ही होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी हेल्प से हम शराब
अल्कोहल इस टाइप की चीजें बना सकते हैं। हमारे बहुत पुराने पूर्वज थे, ठीक है, वो क्या करते थे, शराब और अल्कोहल को इसी प्रोसेस के थ्रू बनाते थे, जीवाणुओं के थ्रू बनाते थे। शराब बनाने के लिए हमें चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो विधि होती है, इसको कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं किण्वन विधि, किण्वन विधि, जो कि चीनी शराब में कन्वर्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, किण्वन विधि। आगे वाला है औषधि उपयोग। औषधि उपयोग सूक्ष्म जीव हमारे औषधि में कैसे उपयोग करते हैं, देखिए आजकल जो डॉक्टर हैं किसी भी बीमारी को सही करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है, सूक्ष्म जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको इकट्ठा करके एक मेडिसिन तैयार की गई है, जो अच्छे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाके जो हानिकारक बैक्टीरिया और हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जो पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हैं और जिसकी वजह से हम स्वस्थ नहीं हैं, उन बैक्टीरियाज को और उनको हमारा जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, उससे लड़ता है, तो उसकी ग्रोथ को, जो सूक्ष्म जीव हानिकारक वाले हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देता है वो, या तो उसको नष्ट कर देता है या उसकी ग्रोथ बढ़ने से उसको रोक देता है। तो सूक्ष्म जीवों की हेल्प से हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनसे लड़ता है, उसकी ग्रोथ को कम कर देता है और उससे लड़के उसको खत्म कर देता है। तो डॉक्टर क्या है, एंटीबायोटिक हमें देते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, एंटीबायोटिक कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना, आप क्लिनिक में जाके डॉक्टर की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ये जितना फायदेमंद होता है उतना नुकसानदायक भी होता है। कभी कभी क्या करता है ये एंटीबायोटिक, हमारे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है, जो हमारी ग्रोथ को अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी नुकसानदायी साबित हो सकता है। तो एंटीबायोटिक कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना, ये हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह औषधि उपयोग में इसको यूज कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या है, फफूंद लग गया है, फफूंदी, नीले और हरे कलर की फफूंद होती है ना, वो लग गया है। इन्होंने उस फफूंद को इकट्ठा करके उस पर अपना एक प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद एक ऐसी मेडिसिन तैयार की कि वो फफूंद जो जीवाणु हैं उनसे लड़ सकता है और उसकी ग्रोथ को कम कर सकता है। इस बहुत सारे फफूंद को इकट्ठा करके उन्होंने एक पेंसिलियम नाम की दवा बनाई, पेंसिलिन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंसिलिन नामक दवा इन्होंने बनाई। ऐसे ही वैक्सीन्स भी सूक्ष्म जीवों से ही वैक्सीन तैयार किए गए हैं। वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में वैक्सीन हमें दिए जाते हैं, जिससे क्या करता है, वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अच्छा कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वैक्सीन क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन भी साइंटिस्ट जो भी थे हमारे मेडिकल विभाग में, उन्होंने क्या किया, अपना शोध किया, शोध करने के बाद सूक्ष्म जीवों से ही वैक्सीन तैयार की, वो वैक्सीन हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हमारे अंदर जो भी कोई भी अगर रोग आता है तो उससे वो लड़ती है और लड़के उसको रोग को खत्म कर देती है। रोग कहाँ से आता है, रोग भी सूक्ष्म जीवों से ही आता है। कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं और बढ़ने से हम बीमार पड़ जाते हैं, जैसे जुकाम का होना, जुकाम भी क्या है, फैलता है एक दूसरे से, वायरस से आता है। हमारा शरीर क्या करता है, पहले उससे लड़ता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उससे लड़ती है। जैसे अभी कोरोना आया, वायरस था, ठीक है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो उनके शरीर में अच्छे जो सूक्ष्म जीव थे उनसे लड़े और उन्होंने उसको ठीक कर लिया।
उसके बाद गवर्नमेंट ने वैक्सीन भी बनाई, वैक्सीन चलाई गई। वैक्सीन का काम यही है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। मिट्टी की उर्वरकता, देखिए सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको मैं सेकंड भाग में पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो मिट्टी की उर्वरता नाइट्रोजन स्थिरीकरण से ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देते हैं। कुछ अच्छे जीव होते हैं, सूजीव होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी पौधा खड़ा हुआ है, ये मिट्टी है, ठीक है, इसकी जड़ें हैं ये, ठीक है, तो इस ये क्या करता है, नीचे से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और वो अच्छे अच्छे जीवाणुओं में और अच्छे सूजीवों में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो भी पेड़ है, ये जो भी पौधा है, उसको हमें नाइट्रोजन मिल जाती है, उसको खाना मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको मैं सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगा। अगला मैं बताऊंगा आपको पर्यावरण का शुद्धिकरण। देखिए पर्यावरण का शुद्धिकरण, अब आप सोच रहे होंगे कि सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शुद्ध कैसे करते हैं, पर्यावरण की शुद्धिकरण कैसे करते हैं, वो तो सूक्ष्म जीव है, वो कैसे कर सकता है, वो तो आंखों से दिख भी नहीं रहा, ये तो सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूं पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। देखिए आपने देखा होगा कूड़े वाली गाड़ी आती है नगर निगम की, उस पर लिखा होता है सूखा कूड़ा अलग करिए, गीला कूड़ा अलग करिए, इस तरह लिखा होता है, ठीक है, ये बोलता भी है। और हम अपने घरों में भी डस्टबिन रखते हैं, सूखे कूड़े को अलग करते हैं और गीले कूड़े को अलग रखते हैं। तो जो गीला कूड़ा होता है, गीला कूड़ा क्या होता है, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, जो सब्जियां वगैरह होती हैं हमारे घरों में, फल होते हैं उसके छिलके हो गए, सब्जियों की जो वेस्ट होता है वो हो गया, है ना, बचा हुआ खाना हो गया, वो सारा क्या है, हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एक जगह इकट्ठा करके अगर उसी कूड़े को आप किसी गड्ढे में, कोई गड्ढा खोद के, खड्डा खोद के उसके अंदर अगर वो कूड़ा डालेंगे, वो सारा जितना वेस्टेज है, वो क्या करेंगे, जब उसमें डालते रहेंगे तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे और उस कूड़े को सड़ाएंगे, जिसमें उसमें बदबू भी आती है। वो सूक्ष्म जीव इतनी मात्रा में हो जाते हैं कि उसको कूड़े को सड़ा देते हैं, वो इतना सड़ाएंगे, कितना सड़ाएंगे, वो क्या हो जाती है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है पूरा, वो सड़ जाता है पूरा। और जो सूक्ष्म जीव थे वो भी धीमे 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 करके उसको कन्वर्ट करके वो भी नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह जितना वेस्टेज होता है, आप उस वेस्टेज को इकट्ठा करके एक जगह उसको सड़ा के उसकी हम खाद भी बना सकते हैं। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण इस तरह सूक्ष्म जीव पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। जितना वेस्ट हो जाता है, अगर सूक्ष्म जीव उसको न सड़ाएं, उसकी खाद ना बनाएं, तो क्या होगा, हमारे देश में और हमारे पूरे वर्ल्ड में इतना सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा कि आदमी मर जाएगा उसको देख के ही। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि उसको जितना भी इस तरह का कचरा होता है उसको सड़ा देते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप सूक्ष्म जीव उसमें पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सड़ा के वो पूरा उसको गला देते हैं और वो चीज हमारे उपयोग के लिए फिर दूसरी वही चीज हम खेतों में डालते हैं खाद के रूप में, और वही पौधों के लिए उपयोगी हो जाती है, वही मिट्टी मिल जाती है, वो हमारे लिए फिर उपयोगी हो जाती है। इस तरह ये क्या है, ये साइकिल का ये चक्र चलता रहता है। यहां से आया, ठीक है, क्या आया, यहां से वेस्ट आया, सूक्ष्म जीव है, उन्होंने क्या है, इसको सड़ा दिया, सड़ाने के बाद इसको हमने इकट्ठा किया और यहां पर खेत है, उसमें खेत में डाल दिया, खेत में फिर हमारे पौधों के लिए ये क्या बन गई, ये खाद बन गई, खाद बन के पौधे फिर तैयार हुए, पौधे तैयार हो गए, फिर हमने पौधों को काटा, सब्जी को काटा, सब्जी बनाई, फिर उसका वेस्ट हुआ, वेस्टेज से फिर सूक्ष्म जीव ने कन्वर्ट किया, उसके बाद ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए मैंने आपको सूक्ष्म जीव के बारे में बता दिया, मित्र सूक्ष्म जीव हमारे बहुत ही मित्र होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी होते हैं, उसका मैं नेक्स्ट भाग में आपको डिटेल में बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।